हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग जेरा साडा अज दा प्रोग्राम है। वॉइस ऑफ मानवता कोऑर्डिनेटर साहब मेघराज सिंह जी कोऑर्डिनेट कर रहे ने। प्रोग्राम दा नाम है टिप्स फॉर गुड लाइफ, सुखी जीवन दे राज, ते दास दा नाम हरमिंदर सिंह है जी। अज दा जेरा असीं प्रोग्राम करन जा रहे हैं, एदे विच असीं फोकस है साडा भगत कबीर जी दी, कबीर जी दी लाइफ टीचिंग्स एंड जिहड़ी रेलेवेंस है उन्हां दे जीवन दी, उन्हां दी टीचिंग्स दी, ते व्हाट लेसन्स वी कैन लर्न फ्रॉम देम है जी। ते भगत कबीर जी एक्चुअली तो एक दो मिनट बैकग्राउंड दसा मैं तां, बई गुरु ग्रंथ साहिब दे विच 15 भगतां दी बाणी है, 15 भगतां दी बाणी दे विचों कबीर जी दी बाणी सब तो ज्यादा है। कबीर जी दे 541 शब्द ने, 541 शब्द ते 212 श्लोक ने, जेडे के श्लोक एंड ते जाके कबीर जी ते फरीद जी दे आउंदे ने, बड़े ही सीधी भाषा दे विच ने, आम जनता आम लोकी बड़े प्यार नाल सुनदे ने, ते ईवन लोकां दे मुंह ते चढ़े हुए ने कुछ कुछ जेडे ने के आम जेडी वर्तों वाले ने, जी उहनां नूं यूज कीता जांदा। ते भगत जी बड़े वो सोशल रिफॉर्मर भी सी, वो गृहस्थी भी सी, वो किरत विरत भी करते सी, लेकिन परमेश्वर दी याद दे विच प्रभु भगती दे विच लीन रहिंदे सी, ते एट द सेम टाइम बड़े बड़े योद्धे सी। योद्धा कल्ला उही नहीं हुंदा जिहड़ा तलवार नाल, लेकिन उन्हां दी आवाज दे विच, उन्हां दी कलम दे विच, उन्हां दे बोलां दे विच एडे इन्नी तकड़े क्रांतिकारी शब्द सी के जो समय दे हालात सी, कर्मकांडी पखंडी जात पात दे विच जिहड़ा बोलबाला वेश दा भेख दा रेख दा, उन्हां सारिआं दा उन्हां ने खंडन कीता योधे दे रूप दे उत्ते। ते धार्मिक समाजिक राजनीतिक ते हकूमतां जिहड़ियां सीगियां उन्हां नूं भी उन्हां ने चैलेंज कीता, जिहड़ियां उन्हां दीआं गलत जिहड़ियां कुरीतियां वाला सी, वी भाई मनुखता दे भले लई, मनुखता दी भलाई दे लई, चंगे इंसान बनण दे लई उधरले पासे लोकां नूं लाओ, चंगे सुझा दिओ। ते वो एक निर्गुण वाहिगुरु जी दे, एक रब दे उपाशिक सी। से असी जिहड़ा अज दा फोकस है वो सिर्फ करना, उन्हां दे बारे बड़ियां कहानियां ने, मन घड़त कहानियां ने, तुहानूं पता समय दे लोकां ने गलत फलत कराया उन्हां नूं, वो तां शूद्र सी जी, लेकिन उन्हों ब्राह्मणी दे कोलों जम्मे, उत्थों होए आए होए, लेकिन असी उन्हां दे जीवन, उन्हां दीआं सिक्ख्यावां ते उन्हां दी विचारधारा ना, जिहड़ी असीं गुरमत दे दृष्टिकोण तों गुरबाणी दे विच जिहड़े बड़े शब्द ने उन्हां दे, उस पक्खों उन्हां दे जीवन दे उत्ते असीं झात मारांगे। ते अज दे इस प्रोग्राम दी शुरुआत असीं कर रहे हैं, सब तो पहलां साडे कोले हैगे ने जिहड़े वीर जी डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी वासू, ओह कविता दे नाल करनगे। उस तो बाद असीं साडे कोले अज स्पैशल गैसट आए हुए ने बजिंदरा सिंह हुणी, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਸੂ, ਤੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਫੈਲਾਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਸੂ ਜੀ, ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਲਾਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਨਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1398 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੋ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚੌਦਵੀਂ ਸਦੀ ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਸੱਚ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਜੋਧਾ ਬਲਬੀਰ, ਬੋਲ ਅਨੋਖੇ ਉਹਨੇ ਬੋਲੇ, ਕੱਟਣ ਹੋਮੇ ਪੀਰ, ਡਿੱਗਣ ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇਵਣ ਮਾਨੂੰ ਧੀਰ, ਬੋਲੀ ਦਾ ਉਹ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਮੀਰ, ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਬਲਕਾਰੀ ਜੋਧਾ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਸੀ ਪੀਰ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਬਲਕਾਰੀ ਜੋਧਾ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਸੀ ਪੀਰ, ਬਾਣ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਠੁਕਣ ਸਿੱਧੇ ਤੀਰ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਦੇ ਕਰਨ ਨਵੀਂ ਤਾਮੀਰ। ਕਬੀਰ ਦੇ ਬਾਣੀ ਚ ਦੇਖੋ ਗਿਆਨ ਹਨੇਰੀ ਆਵੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਇਹ ਦੇਹੀ ਛਪਰੀ ਡੋਲੇ ਤੇ ਘਬਰਾਵੇ, ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਥੰਮ ਡਿੱਗਣ, ਉਹ ਭੀਮ ਮੋਹ ਦੇ
ਟੁੱਟਣ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਬੁਰੀ ਲੋਚ ਦੇ ਦੁਰਮਤ ਭਾਂਡੇ ਫੁੱਟਣ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਕਿਲਾ ਹੋਮੇ ਦਾ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਏ ਚੁਬਾਰਾ ਆਂਧੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਮੀਂਹ ਬਰਸੇ ਭਿੱਜੇ ਜਨ ਪਿਆਰਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜਦਾ ਬਣਦਾ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰਾ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਮਨ ਦਾ ਅੰਗਣ ਰੋਸ਼ਨ ਜੇ ਜਾ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਜਗ ਸਾਰਾ ਤੂੰ ਸਿਆਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਉਸ ਨਾ ਛੋਇਆ ਕੀਤੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿਆਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਉਸ ਨਾ ਛੋਇਆ ਕੀਤੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫੇਰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਚੀ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਅੱਖਰ ਅੱਖਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬੋਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਪਰਖੇ ਸੱਚ ਦੀ ਤਖੜੀ ਤੋਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਕਰਮ ਨੇ ਉੱਚੇ ਕਰਮ ਨੇ ਸੁੱਚੇ ਮਾਨੁਖਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮਾਨਵ ਧਰਮ ਚਲਾਇਆ ਉਹਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਿਆਣ ਉਹ ਦੂਈ ਦਵੈਤ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਟਾਵੇ ਉਹ ਮਾਨਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਮੇ ਦੇ ਬੁੜ ਕੇ ਜਿਉਂ ਚਿਉਂ ਹੋਮੇ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਵੇ ਰੱਬ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹੋਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੜ ਕੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਹੋਮੇ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਵੇ ਰੱਬ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡੀ ਹੈ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾਮ ਦੀ ਬੱਤੀ ਬਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਤੇਲ ਜਲਾਉਣਾ ਹੈ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣ ਹੋਣਾ ਜਗਮਗ ਹੋਣੀ ਸਾਰੇ ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਹ ਦੇ ਵਜਣੇ ਨਾਦ ਪਿਆਰੇ ਤੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੰਗਾ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਚਮ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਦੇ ਤਾਈ ਜਗਾਲ ਹੈ ਚਮ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਦੇ ਤਾਈ ਜਗਾਲ ਹੈ ਮੌਤ ਨਗਾਰਾ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣਾ ਲੈ ਉਹ ਰੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਰੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜੇ ਸਾਵੇਂ ਖੜ ਗਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੁੱਖ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡਣਾ ਜਿਹੜੇ ਟੇਟੇ ਚੜ ਗਏ ਦੇਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਟੋਟੇ ਟੋਟੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲੇ ਖੋਟੇ ਉਹ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇਰੀ ਸੂਖਮ ਦੇਹੀ ਤਾਈ ਛਲਣੀ ਛਲਣੀ ਕੀਤਾ ਤੇਰੀ ਕੋਮਲ ਜਿੰਦੜੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਫੀਤਾ ਫੀਤਾ ਉਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਲੁਕ ਲੁਕ ਛਿਪ ਛਿਪ ਬਹਿਣਾ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਲੁਕ ਕੇ ਛਿਪ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨਾਂ ਉੱਤਰ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਮਰਨਾ ਜਾਂ ਖਹਿਣਾ ਤੇ ਸੂਰੇ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨੇ ਜਾਵਣ ਜੋ ਨਿਰਬਲ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸੂਰੇ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨੇ ਜਾਵਣ ਜੋ ਨਿਰਬਲ ਲਈ ਲੜਦੇ ਪੁਰਜ਼ਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅੜਦੇ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੁਣ ਰੱਬੀ ਜੋ ਜਨ ਹੈ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਉਰਸ ਦਵਾਉਂਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੁਣ ਰੱਬੀ ਜੋ ਜਨ ਹੈ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਉਰਸ ਦਵਾਉਂਦਾ ਤੋ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਾਵ ਲਿਟਰੇਚਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਜੇ ਧਰਮੀ ਅਖਵਾਣਾ ਬੰਦਿਓ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਡੋ ਬਣ ਕੇ ਤਿੱਤਰ ਜੇ ਧਰਮੀ ਅਖਵਾਉਣਾ ਬੰਦਿਓ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਡੋ ਬਣ ਕੇ ਤਿੱਤਰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੀ ਇੱਕ ਘੁਮੱਕੜ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸੀ ਇੱਕ ਘੁਮੱਕੜ ਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ
ਬਣ ਕੇ ਵਾਸੂ ਫੱਕਰ, ਰੂੜੀਵਾਦ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਬਣ ਕੇ ਵਾਸੂ ਫੱਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਜੀ, ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਟਾਟੀ ਰਹਿ ਨਾ ਮਾਇਆ ਧਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਂਦੀ ਪਛ ਹੈ ਜੋ ਜਲ ਵਰਖੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਜਨ ਪੀਨਾ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮਨ ਪਿਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਨ ਜਪਦੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜਨ ਪਏ ਖਾਲਸੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਆ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀ ਆਰ ਲੱਕੀ ਐਂਡ ਆਨਰਡ ਟੂ ਹੈਵ ਯੂ ਔਨ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਆਈ ਨੋ ਯੂ ਆਰ, ਮਾਈ ਬ੍ਰਦਰ ਸੈਡ ਯੂ ਆਰ ਵਨ ਆਫ ਦੋਜ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀਜ਼, ਯੂਰ ਫਾਦਰ ਵਾਜ ਆਲਸੋ ਇਨਵੋਲਵਡ ਐਂਡ ਕੁਆਇਟ ਮਚ ਵਿਦ ਇਟ। ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਫਰੋਮ ਯੂ ਬਈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਗਲੇ 7-8 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੀਅਰ ਫਰੋਮ ਯੂ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਅਦਰ ਸਪੀਕਰ ਔਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਆ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। अपने बारे में थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरी, मैं आईपीएस में आया तो मेरी नौकरी ही शुरू काशी से हुई, और काशी जैसी जगह में जहाँ कबीर साहब की समाधि बनी हुई है, वहाँ 3-3 बार मेरी पोस्टिंग हुई। वहाँ एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा बना हुआ है, पंजाब के लोगों ने बहुत बगल पास में ही गुरुद्वारा बनाया, बड़ा बड़ा शानदार। तो मुझे मेरे पीढ़ी हाँ रिश्ता, और मेरे फादर तो प्रॉपरली सिख थे, उनका मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, ये देख रहे होंगे। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी हो रही है अपने परिवार में आकर के मैं मिला हूँ और परिवार से बातें कर रहा हूँ। मैं एक सबसे बड़ी चीज ये बताता था, बहुत कितना अच्छा शानदार आप लोगों ने जो बात बताई कि रूढ़ीवादियों का खंडन किया, उन्होंने युग की कुंठाओं को ललकारा, जो लोगों ने अंधविश्वास फैलाए हैं और तमाम झूठ गड़े हैं। मैं एक बार काशी में गया तो उसमें, काशी में कबीर मठ में मैं जब गया तो वहां पर आज से करीब 15 साल पहले की बात होगी और ज्यादा होगी, तो वहां एक मकान की नींव खोदी जा रही थी, तो एक लाल पत्थर की 7 फीट की 6 फीट की करीब मूर्ति वहां लोगों ने लगा रखी थी, लाल पत्थर की थी, और उन्होंने कहा ये बोधिसत्व की मूर्ति है, बौद्ध से संबंधित थी, और कबीर चौरा बहुत बड़ी जगह है, करीब मेरे ख्याल से 1-1.5 बीघा में होगी। तो अच्छा। मैं ये सोचने लगा कि ये कहते हैं कि कबीर जुला था, बहुत गरीब आदमी था, पढ़ा लिखा नहीं था, मुझे ये लगा ये सब झूठ बोलते हैं। कबीर बहुत, जिस समय कबीर हुए हैं उस समय काशी में सिल्क वगैरह का बहुत बड़ा व्यापार होता था, और लास्ट में जहां कबीर गए हैं मगर में, वहां आज भी जुलाहों की बहुत बड़ी बस्ती है, और वहां दूसरी कम्युनिटी एक कोरी कम्युनिटी है। कोरी, ये कोरी कौन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, भगवान बुद्ध के जो माँ और पिताजी थे, माँ और वाइफ दोनों कोलीय थे, उसी कोलीय से बिगड़ के कोरी हुआ है, बहुत बड़ी संख्या है वहां। तो अगर आप जाएंगे तो वहां देखें, गाँव के गाँव एकदम कोली लोगों के मिलेंगे, वो बुद्ध बौद्धों के साहित्य में उसे कहते हैं राम ग्राम के कोली है, और कपिल वस्तु के शाक्य। तो ये तमाम जो झूठ गड़े गए हैं, मैं जब मगर में था तो मुझे ये पता चला कि नवाब बिजली खान ने उनका रोजा बनवाया है, और वो रोजा बन के तैयार हुआ 1450 में, ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की एविडेंस है उसपे, वो निर्विवाद बात है, उस पर कोई बहस करने की ज्यादा गुंजाइश नहीं रह जाती। 1450 का मतलब है कि उस वक्त लोधी वंश भी नहीं हुआ था, जिन्होंने इतिहास पढ़ा हुआ है, लोधी वंश 1451 में शुरू हुआ है। तो ये कबीर के लिए कहते हैं कि उसने हाथी से कुचलवाया, उसने बड़ी कथाएं कह रखी हैं, लग रहा था जैसे सिकंदर लोधी के पास कोई और काम नहीं था, वो कबीर को पकड़ के हाथी से कुचलवाता। तो मैं ये सोचता रहा कि ये कहानी क्यों बनाई होगी इन लोगों ने,
1450 में गुरु नानक साहब ये की कहानी नहीं जी, ये कहानी नहीं जी, सच्चाई है गुरु ग्रंथ साहब में उनका शब्द कभी ऐसे ऊपर। नहीं नहीं देखिए मैं उस पर वो नहीं कर रहा, मैं जो बता रहा हूँ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। तो हाँ जी, मैंने ये सोचा उस वक्त कि भाई 1450 में कब्र बन के उनका रोजा बन के तैयार हुआ है, हिस्टोरिकल एविडेंस है ये, कब पैदा हुए ये तो किसी को नहीं मालूम है, लेकिन 1450 में और 2 साल उसे बनने में लगे, इससे ये प्रमाणित होता है कि 1448 में कबीर की डेथ हुई है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो संतों के बारे में झूठ बहुत फैलाए गए हैं, रैदास कहते हैं कि जाके ईद बगर ईद कुल गौरे बधे, पूजे से शहीद पीरा, है ना, एक सैयदों की पूजा होती है। ब्राह्मण कहते हैं कि विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुआ है, अब किसकी बात को माना जाए। कुछ लोग ये कहते हैं कि सब इससे क्या फर्क पड़ता है, विचारों पे जाइए। अरे भाई ये तो सुरत शब्द का मार्ग है, शब्द कहते हैं ज्ञान को, शब्द कहते हैं ज्ञान को। तो जो जो मार्ग ही ज्ञान का है उसमें कोई अंधविश्वास फैला रहा हो, धर्म के नाम पर धंधा कर रखा हो, तो ये सबसे बड़ी चीज है कि झूठ अगर कोई फैला रहा है उसको नंगा किया जाना चाहिए। अब ये झूठ फैलाया किसने है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। एक नावादास हुए हैं ब्राह्मणों की परंपरा में, रामानंद की परंपरा में, और रामानंद वो आदमी था जो कि शूद्र को और म्लेच्छ को दर्श देख भी नहीं सकता था, पर्दे में बात करता था, और वो राम और सीता की परंपरा का आदमी था। हो सकता है उस वक्त इस्लाम का रूल था वो थोड़ा बहुत सुधर गया हो, लेकिन खास बात यह है कि वो जो रैदास कहते हैं, गुरु रामदास कहते हैं, गुरु ये जो शेख ये जो रज्जब जी कहते हैं, धर्मदास कहते हैं, इन लोगों ने साफ कहा है माँ तुर्कनी बाप जुलाहा, बेटा भक्त भय। तो जब वो कहते हैं कि माँ इसकी तुर्क है, तुर्क का मतलब है कि उस वक्त तुर्कों का शासन था 14वीं-15वीं शताब्दी में, तो उस वक्त उन्होंने मुगल भी नहीं कहा है, तो ये कैसे मान लिया जाए कि ब्राह्मण ही सच बोल रहा है और धर्मदास या रैदास जो उनके समकालीन हुए हैं काशी में ही रहते थे वो झूठ बोल रहे हैं। नावादास करीब 139 साल बाद हुआ है उस 1450 के, मतलब 16वीं-17वीं शताब्दी का आदमी है वो। एक अनंत दास हुआ है, एक प्रियादास उन्हीं का चेला हुआ है। तो मुझे तो ऐसा लगता है ये बदमाशों का गिरोह है और इन्होंने जानबूझ करके कबीर का ब्राह्मणीकरण किया है। इस बात पर ये जिम्मेदारी बनती है हमारी कि इतनी बड़ी परंपरा का से जो महापुरुष जुड़ा हो, जिसमें गुरु ग्रंथ साहब में जिन्होंने जैसा कि आपने बताया 550 के करीब वाणियां जिनकी हो, जिन्होंने सुरत शब्द का मार्ग बताया हो, ज्ञान ध्यान कहते हैं, देखिए शब्द कहते हैं ज्ञान को और सुरत कहते हैं ध्यान को, और ध्यान के पीछे ध्येय होता है, जो बीज मंत्र है सतनाम का, वो सत्य के अलावा किसी चीज को महत्व नहीं दिया है, और सत्य कार्य कारण से जाना जाता है, सत्य जाना जाता है पक्ष विपक्ष को की जानकारी होने से, सत्य ऐसा हवा में नहीं जाना जाता है, एक वैज्ञानिक तरीका होता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि जो जो शब्द गुरु को कीजिए गुरुआ बड़े लवार, और अपने अपने स्वार्थ को ठोर ठोर बटमार। तो शब्द को ही सबसे बड़ा गुरु माना है, ज्ञान को सबसे बड़ा गुरु माना है। तो मैं तो ये कहूंगा, मैं ज्यादा समय आपके पास भी नहीं है, मगर ये गहराई से जो पाखंड और ढोंग और झूठ बोले गए हैं कबीर के बारे में खासतौर से, वो उनको उनका पर्दाफाश होना चाहिए। सिर्फ ये कहकर के जो लोग पीएचडी कर रहे हैं पेट पालने के लिए, पीएचडी का मतलब ये होता है कि सच्चाई के सामने आए, जो अब या तो हम साबित हम ये कह सकते हैं कबीर के विचारों से सब सब मतलब है हमें, ये विचार तो यही तो है कि झूठ का पर्दाफाश हो। तो अब एक चीज मैं और कहूंगा, इस देश की परंपरा जिसे श्रमण संस्कृति कहते हैं, समतावादी संस्कृति जिसमें बुद्ध हुए हैं कबीर हुए हैं और जिसमें गुरु नानक जी रैदास ये सब उसी परंपरा में आते हैं, और ये परंपरा वो है जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा तक से जुड़ी हुई है, और ये एंटी कास्ट कल्चर है, जातिवादी का इसका जातिवाद से कोई संबंध नहीं है। और कबीर साहब ने जो जजमेंट दिया है, कबीर साहब ने कहा है जातिवादियों के लिए कि बड़ सो पापी आए गुमानी, ये मैं कबीर के बीजक का वो पढ़ रहा हूं मैं, कभी बड़ सो पापी आए गो मानी, पाखंड रूप छले नरजानी, बामन रूप छले बल राजा, ब्राह्मण कीन कौन को काजा, ब्राह्मण ही सब की नी चोरी, ब्राह्मण ही को लागल खोरी, ब्राह्मण कीनो वेद पुराणा, कैसे कह मो मानस जाना। तो मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, बस कबीर साहब का जो बीजक ग्रंथ है
उसमें पहली रमैनी में वो कहते हैं कि पेट नकाऊ वेद पढ़ाया, सुन्नत कराया, तुरक नहीं आया, नारी मोचित गर्भ प्रसूति स्वांग धरे बहुत करतूती। वो कहते हैं सब नारी के गर्भ से हुए हैं, सब आदम हब्बा के हैं, मानव जाति एक है, मनुष्य मनुष्य के बीच में नफरत की दीवारें खड़ी करने से बढ़कर के कोई अधर्म और कोई बड़ा पाप नहीं है। भगवान बुद्ध ने भी यही कहा है, भगवान बुद्ध ने भी यही कहा है, कबीर ने भी यही कहा है, रैदास गुरु नानक जी ने भी यही कहा है। तो उस बात को जो 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 भंडा फोड़ कबीर ने किया है और काशी में बैठ के किया है, आप कल्पना कर सकते हैं कि वो लोग जो जातिवादी हैं उन्होंने कितना बड़ा षड्यंत्र किया होगा कबीर के, क्योंकि वो कबीर काशी में उस वक्त डंका बजता था ब्राह्मणों का। लेकिन हमको नहीं भूलना चाहिए कि उस वक्त इस्लाम का राज था, मुसलमानों का राज था, सूफियों का बाद में पास में जो जौनपुर है वो बहुत बड़ा सूफियों का केंद्र था, जैसे जैसे बनारस, जैसे हमारे यहाँ मैं आगरा का रहने वाला हूँ, वहाँ मथुरा है। तो इस तरह से सूफियों का, सूफियों के बारे में कई लेखकों ने ये कहा है कि कबीर के गुरु रामानंद नहीं बताए हैं उन्होंने, उन्होंने शेख 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 तकी को गुरु बताया है। तो ये पॉसिबिलिटी भी है इसकी, तो ये एकदम कथाओं पे इसलिए विश्वास नहीं करना चाहिए, ये रूढ़िवाद। दो कारण होते हैं, अब कबीरपंथी कहते हैं कि वो जो आसमान से उतरे हमारे गुरुजी, एक गिरा एक नूर का गोला कमल दल पर वो आकर बन गया बालक, तो अंधश्रद्धा जो होती है वो भी, अंधविश्वास जो होता है वो सत्य का उल्टा है, सत्य नाम का जो बीज मंत्र है उसका बिल्कुल उल्टा है। अब अति श्रद्धा के कारण आप अंधविश्वास फैला रहे हैं, तो ये भी आज विज्ञान का योग है। इन चीजों का हमारा फर्ज बनता है कि जिन गरीबों को, दबे कुचले लोगों को ज्ञान की ज्योति कबीर ने दी, उस ज्ञान को, सच्चाई को हम सामने लाएं और वैज्ञानिक तरीके से सत्य नाम का सही अर्थ समझें। और जो कबीर साहब ने कहा है कि सत्य नाम जाना नहीं लागी मोटी खोर, मोटी खोर कहते हैं कोई आह लगी है किसी की, सत्य नाम जाना नहीं लागी मोटी खोर, काया हांडी काट की चढ़ ना सके बहोर। ये शरीर बार बार नहीं मिलता, सच का दर्शन करना चाहिए, ये सत्य नाम का मार्ग है। एक ओंकार सतनाम कहते हैं, तो सत्य का मतलब ही है कि सत्य एक ही होता है, दो नहीं होते। बुद्ध भी कहते हैं कि सत्य एक ही है, दो नहीं होते। तो बस मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप लोग बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, मेरी बहुत दिन बाद मौका मुझे मिला है, तो थोड़ा सा मैं कहे बिना भी रह नहीं सका। मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ इसमें, लेकिन क्योंकि कुछ परंपरा मेरी परिवार की भी रही है और कुछ मैंने यूपी में उन जगहों पर मैं रहा जहां बरसों चार चार मेरी पोस्टिंग रही, और मेरी श्रद्धा के बस में मेरा कबीर चौरा में भी आना जाना रहा, मगर में भी रहा, वो गुरुद्वारे में भी आता जाता हूँ, तो इसलिए मैंने इतनी बात बड़ी, मैंने अपनी बात को रखा है। और अगर कोई बात गलत हो गई हो तो मुझे क्षमा करेंगे, मैं सुपरस्टिशन को किसी भी कीमत पर धर्म के नाम पर अलाउ नहीं कर सकता। थैंक, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी, ब्यूटीफुली सैड, इट वॉज मार्वलस। जो जड़िया गल्ला तुसी जात पात की गल की है, खंडन किया, कबीर जी ने इसे लिए योद्धे या सूरमे किया जाता है, क्योंकि ही वॉज रियली, देखो तुसी बनारस दे जो के हिंदुओं का गढ़ सी, उत्थे हां जी ब्राह्मणा का एडा वड्डा जोर बोलबाला सी, उत्थे उत्थे रह के उन्होंने शरेआम उन्होंने चेतावनी दी, नाले कहता जे तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बात काहे नहीं आया, जो तू ब्राह्मण तो हम सूद, हां जी भाई तेरे तू ही, तेरे च केड़ा, तू दुध दा बने आ, तेरे च भी ओही लहू आ, मेरे च भी ओही लहू आ, ते नाले भी कहता जात बदले महान के अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन कले को बंदे। इट जस्ट अमेजिंग जो तुसी किया, इट्स ऑल करेक्ट। जिहड़ियां मन च मन घट, जिहड़ियां बेसलैस जिहड़ियां स्टोरीज ने ना, कॉक एंड बुल स्टोरीज जिन्हां नूं कहा जांदा, वह बनाईयां गईयां ने ब्राह्मणा ने सिर्फ आपदे आले पासे लाउण लई, सिर्फ उन्होंने आप दा उल्लू सिद्ध करने ले। हां जी वीर जी, व्हाट डू यू वांट टू से? आई हैव अ क्वेश्चन विजेंद्र सिंह जी, आप जी, कबीर जी ने ज्योति जोत समाए वहां मगहर में, हां जी जी जी, का जो इलाका है वहां उन्होंने ज्योति जोत समाए, उस बाबत कुछ बात करो, आपने मगहर भी देखा है। हाँ, मैं मगहर में बता रहा था, मैं वहां पर उस क्षेत्र में मेरी पोस्टिंग रही तीन, तो मुझे काफी नजदीक से देखने को मिला। मेरे वो जब आर्क जो मैंने, जो हर अंग्रेजों ने हर जिले के लिए एक गजेटियर बनाया था, उसमें ये सब बातें लिखी मैंने, देखी, तो मैंने ये कहा कि ये लोगों का ध्यान क्यों नहीं जाता कि रैदास क्या कह रहे हैं, संत रजब जी क्या कह रहे हैं,
जो शेख मतलब जो, तो उसमें मगर की खास बात यह है कि वो गौतम बुद्ध का जिस जिस नदी के किनारे कबीर की समाधि बनी हुई है वहां गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया है। उस नदी का नाम आमी नदी है आज, उस वक्त उसका नाम अनोमा नदी था और वो कपिल वस्तु की सीमा में थी। और ये जो जुलाए हैं जिन्हें आप कहते हैं कोरी कहते हैं, इनका सीधा संबंध श्रमण संस्कृति से, बौद्धों से संबंध है उनका। अगर आप गहराई से जाएं वहां, मैं एक दिन होली के त्योहार पर मेरी इच्छा हुई कि मैं लॉ एंड ऑर्डर उस वक्त देखता था तो मैं इलाके में निकला शाम को क्या हो रहा है, तो शाम को मैंने गांव के गांव में अंधेरा देखा। तो मैंने अपने पीआरओ से कहा कि भाई इतनी बड़ा है होली का त्योहार है, क्या बात है ये? तो उसने कहा कि साहब ये सब पाकिस्तान है। कारण क्या है, जो वो जो कोलीय लोग थे, जो बौद्ध लोग थे, वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। अब आप सोच सकते हैं क्यों हुए होंगे कन्वर्ट। जब आप अनटचेबल घोषित कर देंगे किसी पूरी कम्युनिटी को तो उसे कुत्ते को भी सम्मान चाहिए। आप अपमानित करेंगे तो इस्लाम उनके लिए एक लिबरेटिंग फोर्स आया। दूसरी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहना चाहता हूँ, अफगानिस्तान सम्राट अशोक के टाइम में भी सूबा रहा है और सम्राट अशोक सूबेदार रहा है और औरंगजेब के टाइम तक भी अफगानिस्तान इंडिया में रहा है। तो जब अफगानिस्तान से कोई आक्रमण करता है, यहाँ का राजा राजा पर आक्रमण करता है, आप विदेशी नहीं कहते उसे? अफगानिस्तान को क्यों विदेशी कहते हैं? आप जानते हैं कि बंगाल में बौद्धों का सबसे बड़ा केंद्र था, बौद्ध बंगाल के जो मुसलमान है वो सब सांवले रंग के मिलेंगे, बंगाली मिलेंगे आपको। तो इस्लाम तो सातवीं शताब्दी में आया है, ये मुसलमान हुए सातवीं आठवीं शताब्दी में, इनको ये है तो सब पुराने बौद्ध। तो जब तक आप हिस्टोरिकली नहीं देखेंगे चीज को, ऐतिहासिक व्याख्या नहीं करेंगे, फॉर्चुनेटली हमारे जो विदेशियों ने बहुत काम किया है इसमें। आज से 20-25 साल पहले जिस वक्त मैं मगर में था, एक वहाँ एक कम्युनिस्ट बहुत बड़े लेनिन अवार्डी थे, उन्होंने मुझे शार्लोट बॉडीविल की किताब दी कबीर के ऊपर, ए बीवर नेम्ड कबीर। तो उसमें मैंने देखा कि कितना उसमें एक एक चीज के इनके झूठ का पर्दाफाश किया है उन्होंने। ये ढोंगी आडंबर कर रहे हैं अपने ये कुएं के मेंढक की तरह, अगर बाहर जाएं तो सब सच्चाई सामने आ जाएगी। हमारा फर्ज बनता है कि हम सच्चाई को सामने लाएं, सत्य नाम के मानने वाले हैं हम, हमको किसी भी तरह का अंधविश्वास और ढोंग को प्रश्रय नहीं देना चाहिए धर्म के नाम पर। हो सकता है कुछ लोगों के लिए धर्म धंधा बन गया हो, बिजनेस बन गया हो, हमारे लिए धर्म सर्वोपरि है, सत्य सर्वोपरि है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी थैंक यू जी। थैंक यू। हाँ जी डॉक्टर कुलविंदर सिंह जी, तुसी की कहना चाहोगे कबीर जी दे जीवन उत्ते, उन्हां दे मुढ़ले जीवन दे बारे, जां गुरबाणी दे विचों उन्हां दे जिहड़े शब्द ने उन्हां नूं मद्देनजर रखते हुए उन्हां दी विचारधारा दे उत्ते अगले 5-6 मिंटां लई। वाहिगुरु जी का खालसा। वाहिगुरु जी फतेह। मैं इथों ही शुरू करदा वां कि जिहड़े रिस्पेक्टेड विजेंद्र सिंह जी ने कहा ना, हाँ जी, इन्होंने इन्हों दे सारे मतलब जिहड़े विचारां दा पूरा सत्कार है, बट क्योंकि मैं ते इहदे मेरे वास्ते इट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग सैशन कि गुरबाणी नूं अलग अलग एंगल तों जदों आपां देखदे आं ना, ते जिस तरह भी जिहने कहा मैं की देखदा समें नाल एक्चुअली की है मेरी जिहड़ी परसनल राय है कि जिहड़ियां अज तों 8-10 सेंचुरी 5-6-7 सेंचुरी पहला जो सिचुएशन सी ना, एक्चुअली असीं उहदे नाल इंट्रोड्यूस किए। जदों असीं अज दे संदर्भ च उहदे नाल डिस्कस करदे आ ना ते उह साडे विचार डिफर होणे जरूरी होंदे, सुभाविक होंदे ने, जरूरी नहीं सुभाविक होंदे। जिहड़ा मेरा विचार है, मैं गुरु नानक साहिब दे जीवन तों शुरू करांगा कि मैं छोटे होंदे आ पढ़ीदा सी कि गुरु नानक साहब नूं सर्प ने छाया कर दित्ती, खेत उजड़ गया ते ओह मतलब शिकायत दे घर दे विच जदों आके देखिया खेत हरिया पिया। यह चीजा मैं देखदा वा कि सिख इतिहासकार ने भी इस चीज चीजों कढ दित्तियां। मेरी बड़ी परसनल जिहड़ी राय ही है वो ये वै कि मैं इन्हां चीजा ते 100% विश्वास करदा। फॉर एग्जाम्पल कई बार फेसबुक ते देखी लै कि निके निके बच्चे बड़े बड़े वे जो वाइपर है उन्होंने अजकल खेलते फेसबुक से। सो मैं सोचता वा कि जो अज तो सेंचुरी पुराना समा से उदो जो साढ़े वागू इन सेफ बिल्डिंग के घर ताले इन्ने सैग्रीगेट भी घर नहीं सी। जिस बंद ने जंगल जाके बैठ के भगती करनी है, खेत जाके भगती करनी है,
ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਲੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਟਾਈਮ ਕਮਸ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਦਾ ਉਚਾਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਈ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਖੂੰਖਾਰ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਰਾਏ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਲੈਵਲ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ, ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕ੍ਰਿਟਿਸਮ ਰਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਡਾਮ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੰਦਰ ਚਿਤਕਰ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਨਰਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਏ ਲਾਈਫ ਆਫਟਰਵਰਡਸ। ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਵਰਗ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆਇਆ ਨਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਵਾਈ ਵਜੇ ਡਾਕਟਰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਚ ਕਾਰ ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਾਰ ਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕਰਨਾ ਤਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋਵੇਵ, ਮਾਈਕਰੋਵੇਵ ਵੀ ਯੂਜ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲੀਵ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਫਾਇਰ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਗਰੋਥ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਮੇ ਬੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲੀ ਅਮਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅੰਸ਼ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਬਿਲੀਫ, ਫੇਥ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਟੀਚਰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿੰਤੂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇ? ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਕਿੰਤੂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਮੇ ਬੀ ਦ ਸੇਮ ਵੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕਿ ਟਿਲ ਵੀ ਡੋਂਟ ਗਰੋ ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਸੀ ਰਿਲੀਜਨ ਓਨਲੀ ਐਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਮੈਂਟੇਰੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਸ ਨੋਟ ਏ ਕੈਮਿਸਟ, ਹੀ ਵਾਸ ਨੋਟ ਏ ਫਿਜ਼ਿਸਟ, ਹੀ ਵਾਸ ਨੋਟ ਏ ਸਾਇੰਟਿਸਟ। ਉਹ ਕਈ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਭੈਵੇ ਸੂਰਜ ਭੈਵੇ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਜਲਤਨਾ ਭੈਵੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਣਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਸੀਂ ਕੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗਰੋਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਫੇਲ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਫੇਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਰ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇ ਡੂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟੋਰਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਫਾਰਮ ਫੇਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਫੇਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਯੂ ਟੇਕ ਇਟ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ, ਦੈਟ ਟੂ ਇਜ਼ ਓਕੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਈਏ। ਚਾਰ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਊਟਵਰਡਲੀਨੈਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚਾ, ਨੀਚੀ ਹੁਣ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਕਿਆ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉਂ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਤਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਰ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੋਰ ਨਾ ਕੋ ਸੰਗ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੈ ਉਤਰੇ ਸੋ ਕਲਮੈ
घट घट नानक जी। या गुरु साहब ने कहता है, ब्राह्मण ने भी कहता है कि सो पंडित जो मन पर बोधे राम नाम गुरु साहब कहते मैं पंडित मंजूर है, रिस्पेक्टेड पंडित, पर अखीरली पंक्ति की है तो उपदेश नानक उस पंडित को सदा उपदेश। भाषा नहीं होना चाहिए, इन भाषा होना चाहिए, सारे की इक्वालिटी मानता हूं। ठीक है जी। पर दूजे पासे मैं सिर्फ एक मिनट लांगा, जो कबीर जी की बाणी लैने बिकॉज कबीर वर सफर गुरु नानक साहब से याद बात करके कभी अटैक नहीं सी होना। कबीर नू हर मोमेंट यह चीज फेस करनी पैंदी सी कि तू छोटी जात है, तू है, पार्शियलिटी फेस करनी पैंदी सी। सो कबीर वर वेरी अग्रेसिव। कबीर सिद्धा की कहते पे ने, कबीर जी सिद्धा ही चैलेंज करते, गर्भवास मैं कौन नहीं जा, लॉजिक देंगे जा तू ब्राह्मण बन नहीं जाया, इफ यू आर ए ब्राह्मण जस्ट बिकॉज यू आर बोर्न टू ए ब्राह्मण मदर तो आन पाठ का ही नहीं है, व्हाई वर नॉट यू बोर्न द अदर वे, यू अंडरवेंट द सेम प्रोसेस। सो खीर ते कहंदे ने तुम कर ब्राह्मण हम कर सूद, हम कर लोहू तुम कर दूध, जां तां मैनूं डिफरेंस दस कि मेरे सिर चलूगा ते तेरे सिर च दूध है, यू टू हैव द सेम ब्लड एज आई हैव विद द सेम ग्रुपिंग। सो खीर ते गुरु उन्हां ने खत्म करती जस्ट वन लाइन के कहो कबीर जो ब्रह्म विचारै सो ब्राह्मण कहिया तै मारे। कबीर जी कहंदे साडे च ते ओ ब्राह्मण है जिहड़ा ब्रह्म दा विचार करे। जीवन विचारधारा दे उत्ते तुसी म्यूट हो, अनम्यूट कर लो। जीवन सिंह बाय द वे जी, आई सी हिम। मैं इस तरह है कि मैं क्योंकि सारे भगतों का जरा मेजर टारगेट मेजर जो ऑब्जेक्टिव वो रब ही सी, तो मैं रब शक्ति बारे कविता लिखी हुई है, मैं उससे वो पढ़ सकता। अच्छा जी, छोटी जी कविता है रब शक्ति। रबी शक्ति निरे विचारिया नहीं लगती, सूने जंगल पर्वत निहारियां नहीं लभदी, चाक दूर पिछे तारियां नहीं लभदी, नाल झूठे पखंडी सहारियां नहीं लभदी, जादू जां टूने चमत्कारियां नहीं लभदी, नाम जोर जोर पुकारियां नहीं लभदी, ब्रह्मचारी भुख नंग जारियां नहीं लभदी, बोल अंधविश्वास नारियां नहीं लभदी, खाली वेश दरवेश तारियां नहीं लभदी, ये जीवन सुंदर नकारियां नहीं लभदी, सुंदर नजारियां दी चित्रकार रब शक्ति, कुदरत दे प्यार रब शक्ति, अच्छाई सच दा खुमार रब शक्ति, अगां वधू सब अविष्कार रब शक्ति, सिमरन अरदास दी पुकार रब शक्ति, दुखां रोगां दा संगार रब शक्ति, चंग्याई दी मिठी छलकार रब शक्ति, हक बराबरी दा विस्तार रब शक्ति, दिखे विचों निस्वार्थी व्यवहार रब शक्ति, प्रगटे बन अमन आनंद फुहार रब शक्ति। वाह जी वाह, थैंक यू जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग जी। हां जी, जीवन सिंह जी, आर यू देयर? आई नो यू आर म्यूटेड राइट नाउ। आई एम इन वन विलेज, आई केम, आई कम हियर टू मीट सम पीपल, एंड एट द सेम टाइम टुडे वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ वेरी बिग प्रोग्राम टू लॉन्च बुक कैप्टिवेटिंग द सिंपल हार्टेड इनटू तमिल लैंग्वेज। Oh, you know, everybody I know, I think so. Captivating the simple hearted. It talks about the Sikh history. Yes, yes.
So I have read in English, but you said you are releasing there in Tamil language. Tamil language. So today, lot of intellectuals like professors, social activists, political activists, social writer, community photographers, they are all today. You are again muted. Hello. Hello, Hanji. Yes. Go ahead. Yes. So actually, today morning, one village organized one small program. So some people wanted to embrace the Sikhism in one village. It's a very remote village. Scheduled caste people are residing here. Niche, lowest among the lowest people are here. So one youth completed her graduation and he is going to do PG, postgraduate. So that person, that youth wanted to become a Sikh. So the whole village people also ready to embrace the Sikhism because the caste discrimination is in this area. The upper caste people are humiliating and they are doing some atrocities among them. So that's what they wanted to impress our that's what I came to that village. So next time I will give some experience about what they are going to do. So right now there is no network also. It's I'm standing out of the village. Okay. But we can hear you very well. Yes. So today, after finish this launching program, I will send some document related to that program. So you two also share to your friend circle. Okay. Well done. Nowadays, thank you. Nowadays, Tamil preachers are more need. Lot of people are going to join because earlier our scheduled caste people converted into Christians and Muslims. Around 50% scheduled caste people converted into Christian and Muslims. They wanted to escape from the Hinduism and Hindu social system. So, in meantime, our gurus and bhagats' message not reached to them. So now, after I embraced Sikhism, these guru messages are going to reach to our people. Because I am in Tamil Nadu, I am an odd man out because I am wearing a turban. So everybody, they are very eagerly to seeing me. And also here, the upper caste people never allowed to wear a turban. They are not allowed to scheduled caste to wear the turban. So as I am lowest, I am the lowest among the lowest according to the Hindu Varna system. So now I am wearing the turban. So most of the upper caste are getting angry also with me. Even though I completed my law and practicing in the Supreme Court. Even though they are not ready to consider my education and as well as my where I am practicing. They are considering, upper caste people are considering my caste only. So now they wanted to wear this turban. People will join. Yes. Thank you for sharing. Thank you. That. Next week I will share about what happened today. Okay. Thank you. Thank you for all the good work you are doing in spreading the word. Yes. Your support is very necessary. Yeah, we are. Yes, because nowadays some financial support, some gaudy. I'm going to produce a lot of preachers, Tamil preachers. Yes. Around 5 to 10 preachers immediately I need. So you two support, extend your support. Yeah, we will. So meantime, that dubbing work is also going on, Telugu dubbing. Yes. Okay, Ji. Thank you. Okay, Ji. Thank you. Dr. Vasi, you can tell him. Actually, this is the same message what we are talking about. Kabir Ji, you know, Kabir Ji being so spiritually in elevated state of mind, and look at how he was treated by the
बनारस के ब्राह्मणा बनियों या इधर उधर उची जातियां बनियों है जी ते ए, 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 उदो भी चलता है अज भी चल रहा जिस तरह जीवन कुमार बल्ला हुणी दस रहे ने हैं जी जीवन सिंह उन्होंने दसिया साडे नाल शेयर किया आई थिंक इट्स इनकम्बेंट अपॉन अस एज वेल एज हूसोएवर इज इन अवर सर्कल भी ये जड़िया जिथे असी गल्लां बातां करते हैं आपके बड़े वडेरियां दियां जिन्हों कहें बबाणिया कहानियां पुत पुतकरेन अज भगत कबीर जी के जीवन के उत्ते झात मार रहे हैं भी इन्हों तो सिक्ख्या ला के साढ़े मन भी हलूणा मिले झंझोड़ा मिले ताकि असी भी जी उन्होंने जेडे कहे हुए बोल ने उन्होंने जोड़े उपदेश है सिक्ख्या है उन्होंने असी अगे होर तक पहुँचा सकीए तो जड़ा जड़ा कूड़ का जोड़ा पढ़ता है ब्राह्मणवाद का तो दूजिया का वो असी फास कर सकी पढ़ा हाँ जी डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी वास्तु इस तरह जी के कबीर जेड़ा बड़ा इनकलाबी है और बड़ा सच्चाई दे नेड़े है वो क्लियर करता है कि ब्राह्मण मुल्ला जो लिख दिया छाड़ चले हम कछु ना लिया जेड़े ब्राह्मण मुल्ला जो भी उन्होंने लिटरेचर लिखे है चाहे वेद लिखे ने पुराण लिखे ने ब्राह्मण मुल्ला जो लिख दिया छाड़ चले असि इनू छड़ दिता है त्याग दिता है और वो कहते हमरा झगड़ा रहा ना को पंडित मुल्ला छाड़े दो देखो जिन्हें सच की तलाश करनी है जिन्हें हकीकत नू लभना है जिन्हें रब की तलाश करनी है ओनू पंडित मुल्ला दोवां नू छड़ना पेगा क्योंकि झगड़े पाउण वाले लोग ने ए ते इस तरह उसने कहा भाई जे तुसी जिहड़ा बाहरला आला दुआला है ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾਓ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਅਡੰਬਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰ ਪਾਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾਓ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੁਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ उसने कहा कि आत्मक शक्ति जगाओ ताकि तुहाडे विच क्रांतिकारी तब्दीली आ सके इन्हां दा टाइम वेस्ट ना करो वाद वाद वादां विच सीधा तुसी खाल जिवें गुरु साहब ने कहा खालसा कालपुर की फौज सीधा संबंध जिहड़े ने उह जोड़ो इस तरह की उन्होंने कहा भी संसारक खुआरियां तो बचो और प्रभु की बंदगी जिहड़ी है उस नाल सीधे जुड़ो इस तरह उन्होंने कहा भी धन दे दास ना बनो धनिया ना बनो तुसी राम जनिया बनना है धनिया तो राम जनिया धन दे दास नहीं बनना राम दे दास बनना है और जिहड़ियां इंद्रिया भी अनुभव ने जिहड़े शरीरक चम खुशियां ने उन्हां नू खेड़ा छड्डो ते दिल दी पवित्रता जिहड़ी है उहदे वल आओ इस तरह उन्होंने नीवियां प्रवृत्तियां जड़ियां ने उन्हों छड़ो और तुहाड़ा उत्थान हो जाएगा ते अपना नवा मनुख जड़ा तुहाड़े अंदर जागेगा जेड़ा के रब नाल भी इकसर होएगा कुदरत नाल भी इकसर होएगा इस तरह उन्होंने बड़ी वड्डी इच्छा शक्ति जगाई है और इच्छा शक्ति दे नाल बंदा जड़ा वो इन्हां बाहरले अडंबरां तो खड़ा छुड़ा सकदा बिल्कुल जी थैंक यू जी बहुत अच्छा जी बहुत अच्छा ब्यूटीफुली सेट तुसी हां जी हां जी वीर जी सा जसवीर सिंह जी भाटिया तुसी की कहना चाहोगे जेड़ी चीज नहीं कवर हो चुकी भगत जी दे जीवन दे विचों उन्होंने बड़ा उन्होंने तीर्थां दे इशनान वगैरह की बड़ी निखेधी की है उन्होंने स्वर्ग नरक की की है पितरां दे श्राद्धां बारे हां जी जात पात बारे असी बड़ी गल कर दिते हैं गरीब अमीर दे वितकरे बारे बड़ियां गल्लां उन्होंने कीतियां आपदी गुरबाणी दे विच शब्दां दे विच तुसी की कहना चाहोगे ਜਿਹੜਾ ਆਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਟੂ ਸੀ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੂਡੇ ਵਿਦ ਅਸ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲਾ ਹਾਂਜੀ ਯੈਸ ਵੀ ਹੈਵ ਡਿਸਕਸਡ ਦੀ ਟਰੂਥ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ ਦੈਟ ਕਬੀਰ ਜੀ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਐਂਡ ਸਪਨਾ the true meaning of religion, true meaning of the bhakti, true meaning of the human endeavor. I'll speak in English so that Mr. Malla can understand. Haan, it's very important what I'm going to have to say.
But you know, that's one thing. That spiritual aspect is one thing. He brought up the true image, true truth about the religion part of it. But Bhakt Kabir and other bhaktas, they're challenging to the social structure of India, which was prevalent for centuries before, is a very major, major point we need to understand. We are often stuck with the Jat Pat. Yes, that's very important. But on Monday, I was listening to Shromani Sikh Missionary College, Ludhiana, Monday. Today also they discussed Kabirji. And also in whole Gurvani, there's so much of these aspects are covered. Ke tusi hathi kode jo marzi daan karo, koi faida nahi. No point in if you give away all your wealth and hathi and all your in those things. But very important thing is even the donation of women. Donation of women, Panta ne, Brahman Vaad ne, aisa system banaya. They made such a system where people could donate their young daughters to these Brahmins willfully. They are such a mind control on the bulk population of India. And what these women were used for, you can understand. These Brahmins, major centers, had created harems inside their temples. And all these women were used for prostitution and for these people. And they are preaching us, oh, you should not do that. You should do na nari, respect karo, and do this and do that about nari. But themselves, it's the most corrupt system. Mm-hmm. I was amazed when I heard this Shabad on Monday about Bhakt Namdev Ji, where he said that even if you donate a woman loaded with all the silvers and all the ornaments, still it's no use. It's not going to serve any religious purpose. And that struck me. Oh my goodness, these people had created such a system in which they could live a life of luxury with all the ayashi and yet call it a religion. And I'm sure Bhagat Ji also has said that. And many other Bhagat said his point. So this was not just a mere search for truth and bring the truth to the people. It was an ideological warfare. Mm-hmm. It's an ideological warfare which they have been waging through their writings. But unfortunately, the bulk of India's population could not catch on. They could not understand the meaning of this. They could not wake up because these Brahmins had created such a maya jal, such a grip on the minds of the people. I'm amazed. That has struck me today. I have a whole day I've been thinking about it. That, and then look at the wealth these temples have. If you collect the wealth owned by all these major religious centers, like, and I think the money they have will perhaps be more than the total economy of the United States. They have so much money they're holding. What for? If they are telling us you should tiago maya, that you should not hold wealth, you should not do this. But why do they need, wealth for? Question is, why do they need the wealth for? Mm-hmm. Why they are forcing people to give up their wealth and ornaments for the peace? Mm-hmm. And when they are telling us, no, this is no good for you, this is all maya, you should maya tyago, ye karo, wo karo. Mm-hmm. This is such a major conspiracy. Yes, Hanji. Against the people of the majority people of India. And the majority people of India are so dumb, they're so living in such darkness that so far they have not awakened. And that is what Bhagat Kabir Ji, the major contribution has been. He has tried to, but still a lot has to be done. And I praise Mr. Malla, what he's trying to do now. He's trying to understand where all these people have been and how much of harm has been done to their people for so many centuries, thousands of years, my God. So that's where I think that Bhakti, Kabirji, others, and Guru Nanak, of course, he took up a challenge, and Guru Gobind Singh challenged them forcefully. Of course, Bhakti wrote his poetry, wrote his bani, bringing out the truth and the truth about life and the black
deeds of the Simramindwad. But Guru Gobind Singh took the sword. And all this talk about that Guru Gobind Singh again fought against the Mughals, it's all again a fiction, a story. It's the Hindu Rajas who attacked Guru Gobind Singh. Yes. And they are the ones who invited the Mughal army to defend them. Guru Gobind Singh Ji was telling these Rajas, come, take Amrit and be good people and unite together. But instead, they tried to invade and destroy because they were all high caste people. They didn't want it. I've become very emotional. Thank you. Actually, the fights were against injustice, oppression, whosoever it was, whether the power was with the Hindu leaders, whether it was with the Mughal leaders or the Mughal government. It was with the power. Hanji. But starting the whole, they are the ones who started all this. And of course, that's the story unfolds. You know that. Yeah. हां जी वीर जी जगतार सिंह जी तुसी की कहना चाहोगे अगले दो तीन मिनटां लई भगत जी दे बारे इफ यू आर देयर ओके इफ यू आर नॉट हां जी कोहली जी तुसी की कहना चाहोगे अगले दो तीन मिनटां लई हां जी होल्ड हां जी जगतार सिंह जी हां जी आ गए हां जी भरा जी तुसी की कहना चाहोगे अनम्यूट कर लो अपने आप नू अनम्यूट कर लो You're still muted. Unmute karo. Hun ho gaya unmute. Na hale bhi muted hai. Hale bhi nahi hai. Unmute karo ji. Ha hun theek hai. Bolo ji. Ne main ta ehi gal karni si pehla ke jehde pe mute ho gaye. Mute ho gaye. Main unna de work nu bahut appreciate gal dassan. Main bhi fir sada connection theek nahi lagda lagda. पहली गल जी आई वांट कमेंट जिन्हें भी साडे हैगे ने ना स्पीकर्स सारे दे जिहड़े विचार ने जिहड़े बहुत सत्कारयोग ने ते बड़े really thought-provoking. Especially thanks for Bajendra Singh Ji and Jeevan Singh for their participation, special guest. You know, my feeling is that we have to say that Gurbani, Guru Granth Sahib, the Roop, Kabir Ji, the Bani, the Beyan, the Beyan. So, we have to read the Shabd in the Gurdwara. ते सानू लोड़ हैगी आ के भई भगत कबीर जी दी बाणी ते गुरु नानक साहिब दी बाणी जिहड़ी मैच करदी आ इक दूजे नाल रिलेट करदी आ के जिथे किते भी कबीर पंथी ने सानू उहनां नूं गुरुद्वारिआं च इनवाइट करना चाहीदा तां कि रल मिल के असीं कबीर जी दा जिहड़ा जन्म दिन आ मना सकीए कबीर जी जिहड़ी आ ना जिहड़े उहनां दे सबक ने उह सिख सकीए ते उहनां ते अमल कर सकीए नहीं तां जे तुसीं कबीर पंथियां ने कबीर पंथियां च कर लिया सिखां ने सिखां दे विच कर लिया ते रवदासियां ने रवदासियां च कर लिया और तां दैट इज डिनाइंग जिहड़ी सांझीवालता दा उपदेश महाराज ने दित्ता गुरु ग्रंथ साहिब दे संपाति दे विच कि वे सभे सांझीवाल सदाएं तू किसे ना दे सहबान उह कहिणा गल होर आ पर जिन्ना चिर असीं करदे नहीं ना ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਦੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਯੂਨੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ ਰਹਿਣ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ You know, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਲਵੇਸ ਵੈਲਕਮ ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਐਜ ਨੇਬਰਸ ਐਜ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ ਗਿਣਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਰਾਠਾ ਦੇ ਲਾਈਨ ਚ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਆ ਦੇ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਲਸਟ੍ਰੀਅਸ ਰੋਲ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਖ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ, ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ ਨੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਪੰਥੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਪੰਥੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭਰਾ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਆ, ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਚੁਣਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਾਂ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸੈਪਟ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭਏ ਖਾਲਸਾ ਜਨ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਜਨ ਕੀ ਨੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੰਕਰੀਟ ਸਟੈਪ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੋੜੋ, ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੋ, ਮੈਂ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੋ ਹੈਡ। ਦਿਸ ਮਾਰਨਿੰਗ देयर वाज ਅ ਬਿਗ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਬਰਥ ਐਂਡ ਡੈਥ ਆਫ ਭਗਤ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ, ਐਂਡ ਸਮਬਡੀ ਸੇਇੰਗ ਹੀ ਡਾਈਡ ਇਨ 1513, ਸਮਬਡੀ ਸੇਜ਼ ਹੀ ਡਾਈਡ ਇਨ 1495, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿੰਦਰ ਜੀ ਹੈਜ਼ ਦ ਮੋਰ ਅਥੈਂਟਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, and I will appreciate that they can send me something authentic so that I can forward to Sikh Missionary College to that. Are you listening, Jindra ji? Haan ji, he is listening. You are muted, go ahead ji. Unmute kar lo, Bajinder ji. Bajinder Singh ji, unmute kar lo. Haan ji, ji. Ek nivedan mein karna chahta hoon, ek request hai. Haan ji. Bahut badi baat kahi hai, Gopal Singh sahab ne. और भाटिया साहब ने भी जो कही है कि ये आइडियोलॉजिकल वार है, तो ये बात देखिए, एक किसान और मजदूर, किसान को शूद्र कहा है जो मेहनत कस जनता है, और मजदूर को अनटचेबल बना दिया है इन्होंने, तो वो 90% है, थोड़ा बहुत नहीं है। उसकी जो यूनिटी है वो आइडियोलॉजिकल बेसिस पर संतों ने भी माना है, जितने भी जो व्यवस्था परिवर्तन वाले हैं, तो हमको ये समझना चाहिए कि मेजोरिटी तो है ही, अब यूनिटी कैसे एनफोर्स की जाए, और वो यूनिटी आइडियोलॉजिकली अगर हम क्लियर नहीं है, अगर हम लेफ्ट राइट का फर्क नहीं समझते, तो ABCD भी अगर हम राजनीति की नहीं जानते और राजनीति में दिलचस्पी लेते हैं हम, तो ये है कि हम मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे बल्कि काफिले को कहीं गलत जगह पहुंचा देंगे। दूसरी चीज मैं ये और कहना चाहता हूँ, जैसे अम्बेडकर हैं, उन्होंने कबीर जी को अपना सबसे बड़ा गुरु माना है, और उसी परिवार के थे, वो कबीरपंथी परिवार के थे, माँ की तरफ से, तो जो इसीलिए वो सिख रिलीजन की तरफ अट्रैक्ट हुए थे। बहुत कम लोगों ने इस बात पे गहराई से विचार किया है, तो ये यूनिटी सबसे बड़ी चीज है, हमको इसमें और ये आइडियोलॉजिकल वार है, हमको गहराई से इस पे विचार करना चाहिए। ठीक है जी। जिंदा जी के डेट के बारे पूछा मैंने आपसे। Jasveer Singh Bhatia asked about the dates about the death of Kabir ji, right? Bhatia sahab, can you restate your question again to Bajinder Singh ji? Bajinder Singh ji, there's a big controversy in the Sikh circles about the death date of Bhakti Sri Kabir. Some say he died in 1513, some say he died in 1495. And there's a big controversy, and I like that you have more authentic information, as you mentioned that his memorial was built in 1450.
So I need some authentic data, date or some literature which gives his date of birth or death at least. देखिए सब, ये कंफ्यूजन फैलाने के लिए ये बुद्धिजीवियों ने ये गड़बड़ पैदा की है जानबूझ करके। जो जो बिजली खाने कबर बनवाई है उनकी और उसको 2 साल बनने में लगे हैं और ये क्लियर है बिल्कुल कि वो 1450 में बनी है। तो हम जो 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 जब हिसाब किताब लगाते हैं कि सिकंदर लोदी ने हाथी से कुचलवाया, वो तो 15वीं 16वीं शताब्दी में 1496 में आया था, इसलिए 120 साल की उम्र होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है। रामानंद से जोड़ना इनका सही इसलिए हो सकता है, लेकिन गुरु नहीं माना जा सकता, क्योंकि रामानंद भी 14वीं 15वीं शताब्दी का आदमी है, कबीर साहब भी 15वीं के हैं। कबीर को 16वीं शताब्दी में खींचना ये एक षड्यंत्र है। और इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, आपके पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो जैसे आपने कहा, वो प्लीज मुझे भेजिए। जी सर, मैं एक जिम्मेदार आदमी की तरह मैं बात करना चाहता हूँ, मैं अंधविश्वासों पर नहीं फैलना चाहता। मैंने वो रेलिवेंट लिटरेचर पढ़ा है, उसको मैं कंपाइल करके दे सकता हूँ। ठीक है जी। और अगर कोई मौका मिलेगा तो विद रेफरेंस मैं एक डॉक्यूमेंट कोई बना लूंगा कभी देने के लिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि मगर की इम्पोर्टेंस को समझिए आप जितनी काशी की आप समझ रहे हैं, क्योंकि मगर बौद्धों का बहुत बड़ा, गौतम बुद्ध 29 साल तक वहां रहे हैं और उसी नदी के किनारे पर उन्होंने शरीर त्याग ग्रह त्याग किया है, जिन्होंने जहां पर कबीर ने शरीर त्याग किया है। वो सब ठीक कहा जो आपने कहा ना, ये मेमोरियल इतने साल में बना था, उसका कोई डेटा होगा, किसी जो रिटर्न होगा, कहीं ना कहीं लिखा होगा, वो हमें चाहिए। ये सब देखिए, मैं जो बता रहा था, जो शार्लोट बॉडीविल है फ्रेंच राइटर, उसने काफी मटेरियल दिया है इसमें, इस किताब में। वो किताब कम से कम बेसिक पढ़नी चाहिए। और इसके अलावा एक बहुत अच्छे राइटर हुए हैं, अभी यंग राइटर है वो, ये कबीर द वीवर्स सॉन्ग, ये इन लोगों ने बड़े गहराई से इन चीजों को दिया है। उसका नाम है, वो भी महाराष्ट्र के हैं, विनय धारवाड़कर, कबीर द वीवर्स सॉन्ग। तो ये जो खासतौर से जो फॉरनर्स ने जो रिसर्च की है उसमें ये सब मटेरियल मिलेगा। यहाँ वाले तो जो जब हमारे बुद्धिजीवी धूर्त हैं पक्के, और उनका जो उनका पर्पज ये है कि देश की श्रमजीवी जनता को हजारों जातियों में बांटो, उन्हें रोटी बेटी के संबंध मत करने दो, और वही हमारे गुरु हो गए हैं, वही हमें इतिहास पढ़ा रहे हैं, तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे तो और क्या होगा। हाँ जी ठीक है, अगर आप वो दोनों जड़ी बुक्स है उदे नाम ते राइटर्स वगैरह तुसी भेज देंगे डॉक्टर कृपाल सिंह उन्हां नूं जां मेघराज सिंह उन्हां नूं, देन ही कैन शेयर विद द ग्रुप। ठीक है, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी होगी थोड़ी। हाँ जी अंत दे विच तां मेघराज सिंह जी तुसी की कहना चाहोगे? आई नो वी आर अगेंस्ट टाइम, असी लेट आ 10 मिनट पहला ही, प्लीज 2-3-4 मिनट दे विच आपदा तुसी फिनिश कर दिओ, दस दिओ की कहना चाहोगे तुसी भगत जी दे बारे। जितने भी महापुरुष सबको ऐड किया, तो उसमें कविता लिखी है बहुत दिन पहले। हाँ जी, हजारों सालों से बनारस की धरती पर पाखंडवाद चल रहा था, नरक का डर और स्वर्ग का लालच देकर पंडा लोगों को लूट रहा था, अरबों खरबों लोग इस पाखंडवाद की दलदल में फंसकर मर गए थे, करोड़ों लोग पाखंडवाद की दलदल में उस वक्त भी धसे पड़े थे, लोगों पर तरस खाकर कबीर दास जी ने पाखंडवाद के खिलाफ आवाज उठाई, दूर दूर बैठे पाखंडवादियों की कबीर दास जी ने सच से झूठ की गद्दी हिलाई, सच्चाई की आवाज सुनकर लोग कबीर दास जी के चरणों में आ रहे थे, बहम भरम पाखंडवाद से बहुत से लोग छुटकारा पा रहे थे, करोड़ों से तोड़कर लोगों को कबीरदास जी ने एक रब के साथ जोड़ा, झूठ की दलदल से बाहर निकाल कर कबीरदास जी ने सच के साथ जोड़ा, कबीर जी के सच के प्रचार से पाखंडवाद बहुत घबराया, राजा और ब्राह्मणों ने मिलकर कबीरदास जी को बहुत सताया, स्वर्ग का लालच त्याग कर कबीर जी ने नरक को ठोकर मारी, अंदर बैठा रब मिल गया है उनको जिसने सिर्फ बनाई है सृष्टि सारी,
एक नूर से उपजे सब जग, एक कबीर जी ने बताया कोई बुरा नहीं सब भलाई है, ये भी ये जग है रब ने बनाया, कोई जगह पवित्र या अपवित्र नहीं होती, ये कबीर दास जी ने बताया, मगहर के अंदर सच का प्रचार करके इस बात को सच करके दिखाया, कबीर दास जी के ज्ञान को अपना कर अपना जीवन सफल कर लो, बहम भरम पाखंडवाद से अपने आप को बचा लो। वाहिगुरु जी का खालसा। थैंक यू जी, आज दे इस प्रोग्राम दे विच थोड़ा सारियां दा जिहड़े आए ने सारियां दा बहुत बहुत धन्नवाद। मैं यही कहांगा भाई अगले हफ्ते असी, आई नो साडे कोल इनफ टाइम नहीं सी कबीर जी दा असी कवर नहीं कर सके, कोई नहीं नैक्सट टाइम कोई होर जदों दिहाड़ा आया फिर दोबारा ते फिर कवर कर लेंगे चंगी तरह। अगले हफ्ते असी अज कल मीरी पीरी दिवस सीगा ते असी मीरी पीरी दा जिहड़ा सिद्धांत है छेवें पातशाह दा जिहड़ा सीगा ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨਸ, ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹੈਗੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੋਂ ਸਬਕ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀਆਂ। ਬੜੀਆਂ ਨੈਰੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀਆਂ ਬਰੋਡਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੀਆਂ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨਸ ਦੇ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਸਰਦਾਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, IPS ਆਫਿਸਰ ਰਿਟਾਇਰਡ, ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਬੋਲੇ ਹੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋ ਵੇਅਰ ਇੰਡੋਰਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ ਆਫ ਵਾਇਸ ਆਫ ਮਾਨਵਤਾ। ਪਲੀਜ਼ ਵਾਇਸ ਆਫ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।